गुड मॉर्निंग। हम डायनेमिक्स देख रहे थे। डायनेमिक्स में फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया था। पिछले 10 दिन से शायद क्लास नहीं हुई, शायद क्या हुई नहीं क्लास। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स में। एग्जांपल्स कर रहे थे और आज हम एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 है कि यदि एग्जांपल नंबर 7 है डायनेमिक्स डायनेमिक्स में एग्जांपल नंबर 7 क्या है कि यदि किसी समतल वक्र में एक गतिमान बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग अचर हो अचर हो तो सिद्ध कीजिए कि अनुप्रस्थ त्वरण अर्य वेग के समानुपाती होता है। तो सिद्ध कीजिए कि अनुप्रस्थ त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण अर्य वेग के अरिये वेग के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी। यदि अरिये वेग बढ़ेगा तो अनुप्रस्थ त्वरण बढ़ेगा, या दूसरी तरीके से कहे तो अनुप्रस्थ त्वरण बढ़ेगा तो अरिये त्वरण बढ़ेगा। हमें प्रूफ का क्या करना है, अनुप्रस्थ त्वरण समानुपाती हमें दिखाना है अरिये वेग। हमें वो प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे कि किसी समतल वक्र में, कोई समतल ये वक्र है और उसमें एक गतिमान बिंदु, कोई ये मूल बिंदु है और कोई गतिमान बिंदु मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग क्या है, अचर। तो कोणीय वेग क्या दे रखा है, अचर। तो कोणीय वेग इक्वल टू अचर दे रखा है और अचर को हम हमेशा ओमेगा मानते हैं और ओमेगा क्या दे रखा है, अचर दे रखा है। और कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग होता है थीटा डॉट। हमने देखा था पहले कि कोणीय वेग होता है थीटा डॉट। तो थीटा डॉट इक्वल टू क्या आया, ओमेगा। ठीक, ये हमें दे रखा है। और फिर क्या प्रूफ करवा रहा है कि प्रूफ करो अनुप्रस्थ त्वरण अरिय त्वरण के समानुपाती होता है। तो अरिय त्वरण का फॉर्मूला 2r·θ और प्लस r·". डॉट का मतलब क्या होता है कि उसके आगे आ जाएगा d/dt। और यहाँ से अरिय वेग होता है r·, तो अरिय वेग तो r·। तो हमें यदि अनुप्रस्थ त्वरण अरिय वेग में संबंध दिखाना है तो हमें r·, निकालना पड़ेगा। θ·, हमें दे ही रखा है और θ·, की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो θ·, की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं θ·, की वैल्यू। तो यहाँ से θ·, टी के सापेक्ष एक बार हो रहा अवकलन। इसका मतलब होता है कि θ·, जो है यदि एक डॉट को आगे ले जाएं तो d/dt। और θ·, क्या दे रखा है, अचर। तो और अचर का टी के सापेक्ष करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि अचर का अवकलन हमेशा 0। तो θ·, की वैल्यू क्या आई, 0 आई वैल्यू। तो हम क्या कर लेते हैं, मान रख लेते हैं। तो अनुप्रस्थ त्वरण
अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू क्या है, अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू क्या है, टू आर डोट प्लस आर थीटा डबल डोट। तो यहाँ से आर डोट, यहाँ से आर डोट की वैल्यू, तो यहाँ आर डोट, टू आर डोट की जगह आर डोट, और थीटा डोट की जगह, थीटा डोट की जगह ओमेगा, क्योंकि थीटा डोट की जगह क्या है, ओमेगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है थीटा डोट की जगह ओमेगा है, और प्लस थीटा डबल डोट, थीटा डबल डोट की वैल्यू जीरो, तो थीटा डबल डोट की वैल्यू जीरो होती है, ये पूरा जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो ये जीरो, और प्लस जीरो का मतलब कोई है नहीं। तो अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू क्या आया, अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू आया टू आर डोट और ओमेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू आया टू ओमेगा को मैं पहले ले लेता हूँ, और आर डोट का मतलब, आर डोट का मतलब, आर डोट का मतलब अरीय वेग। अब यहाँ से यदि मैं अनुप्रस्थ त्वरण को बढ़ाऊँ, इस इक्वेशन से यदि मैं अनुप्रस्थ त्वरण को यदि मैं बढ़ाऊँगा तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, सीधी टू की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, क्योंकि टू तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ओमेगा की वैल्यू भी नहीं हटेगी, क्योंकि ओमेगा भी क्या है, कॉन्स्टेंट, क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब ये दोनों तो क्या कॉन्स्टेंट है, तो वैल्यू किसकी बढ़ेगी, आर डोट की। और आर डोट क्या है, अरे ये वेग, अरे ये वेग है, तो अरे ये वेग है, तो अनुप्रस्थ त्वरण क्या हुआ, अरे ये वेग के समानुपाती। क्यों हुआ समानुपाती, क्योंकि ये वैल्यू कॉन्स्टेंट और इक्वल, तो इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर डॉट की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। यदि आर डॉट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से अनुप्रस्थ त्वरण क्या आया, अनुप्रस्थ त्वरण आया समानुपाती अरिय वेग के। ये क्यों आया, क्योंकि अरिय अनुप्रस्थ त्वरण की जगह ये आया टू ओमेगा, ये तो कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी घटती रहेगी, यदि इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो कोणीय वेग है वही क्या है, अचर है, तो हमने थीटा डॉट इक्वल टू ओमेगा लिख दिया। फिर हमने इसका एक बार और अवकलन किया, अवकलन क्यों किया कि अनुप्रस्थ त्वरण में काम आएगा थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट की वैल्यू जीरो। फिर हमने अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू रखा टू आर डॉट थीटा डॉट और प्लस आर थीटा डबल डॉट, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी कंप्लीट जीरो, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी कंप्लीट जीरो, कंप्लीट जीरो, क्योंकि थीटा डबल डॉट जीरो, तो ये तो वैल्यू जीरो। तो यहाँ बचा टू आर डॉट और थीटा डॉट की जगह ओमेगा, तो टू ओमेगा ये तो कांस्टेंट और ये बचा, तो इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये घट जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं। और आर डॉट क्या होता है, अरे ये वेग, तो अरे ये अनुप्रस्थ वेग समानुपाती, अनुप्रस्थ अरिय वेग, अनुप्रस्थ त्वरण समानुपाति अरिय वेग, यही हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन सोल्व, एग्जाम्पल सोल्व, और इसके आगे एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, इसके बाद कर रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 अब करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 है कि एक कीड़ा किसी गाड़ी के ए त्रिज्या वाले, एग्जाम्पल नंबर 8 कि एक कीड़ा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कीड़ा किसी गाड़ी के ए त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर अचर चाल स्मॉल यू से रेंगता है और गाड़ी
स्मॉल वी वेग से चलती है, वी वेग से चलती है तो टी समय पर आरे की दिशा में, तो टी समय पर आरे की दिशा में टी समय में आरे की दिशा में तथा उसके लंबवत दिशा में, उसके लंबवत दिशा में लंबवत दिशा में कीड़े के त्वरण ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई एक कीड़ा है और ये कोई दे रखा है पहिया, ये मान लिया कोई पहिया, एक कीड़ा किसी गाड़ी के ए त्रिज्या वाले पहिए, मान लिया ये त्रिज्या क्या है, इस त्रिज्या की लंबाई है ए त्रिज्या, इसकी लंबाई क्या है, ए त्रिज्या वाला कोई पहिया है और इसके आरे पे, तो आरा क्या होता है, किसी भी पहिए का आरा मतलब जो इस तरह का होता है गाड़ी में, गाड़ी के पहिए में, तो वो क्या है, इतना था आरा, आरा ही क्या है, त्रिज्या है उसकी, तो उसके आरे पे अचर चाल यू से, मतलब यू वेग, यू कांस्टेंट से, मतलब उसका वेग ना तो कम होता है कीड़े का, तो मान लो कोई कण यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है, तो कण यहाँ से स्मॉल यू वेग से जा रहा है और इस बिंदु को नाम दे दिया ओ और इस बिंदु को नाम दे दिया हमने पी, तो कोई कीड़ा है और वो स्मॉल यू अचर वेग से आरे पे चल रहा है, पहिए के आरे पे चल रहा है और गाड़ी यू वेग से चलती है, तो गाड़ी का पहिया क्या है, वर्ताकार, वर्त के आकार का, और मैंने बताया कि वर्त जब भी घूमता है, कि वर्त में जब भी घूमता है, अब गाड़ी चलेगी तो ये पहिया घूमेगा इस तरह या इस तरह, तो मान लिया इस तरह घूम रहा है पहिया इस साइड, मतलब आगे जा रही है गाड़ी, तो आगे जा रही है, तो इसका वेग इस तरह ना होके उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, तो यहाँ इस पॉइंट पे यदि स्पर्श रेखा लेंगे तो वो क्या होगी, इस पे लंबवत होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा पे यदि मूल बिंदु से मिलाओगे उसको, स्पर्श रेखा को जहाँ पे वृत्त को टच करती है, तो वो क्या होगी, उस स्पर्श रेखा पे लंब होगी, तो इस पहिए का जो वेग होगा वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा इस तरह, और यदि ये त्रिज्या यहाँ लेंगे तो उसके अनुदिश इस तरह वेग होगा, और ये त्रिज्या यदि यहाँ लेंगे तो उसको इस तरह वेग होगा, इस तरह वेग होगा, तो हमने मान ली ये स्पर्श रेखा, और गाड़ी स्मॉल वी से, तो स्पर्श रेखा के अनुदिश स्मॉल वी से चलेगी गाड़ी, तो टी समय पर, मान लिया कोई टी समय बाद, कि कोई टाइम है टी, तो उस समय बाद आरे की दिशा में, तो आरे की दिशा, आरा कौन सा है, यहाँ आरा है ये, तो आरे की दिशा में, तो इस दिशा में वेग कौन सा होगा, इस दिशा में वेग कौन सा होगा, प्रारंभिक रेखा मान लेते हैं, ये प्रारंभिक रेखा, ये प्रारंभिक रेखा और इस कोण को मान लिया थीटा, और ये दूरी क्या दे रखी है ए, तो यहां ये केंद्र से प्रारंभिक रेखा के साथ जो कोण बनाएगी वो थीटा, और इसके बीच की दूरी क्या है ए, तो इस दिशा में जो वेग होगा वो तो होगा अरीय वेग, और इस दिशा में जो त्वरण होगा वो होगा अरीय त्वरण, तो हमें एक बार तो आरे की दिशा में, कौन सा त्वरण निकालना है, तो आरे की दिशा में तो कौन सा होगा, अरीय त्वरण,
और आर ए के लंबवत, आर आई ए और इसके लंबवत ये स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा के अनुदिश जो त्वरण होगा वो होगा अनुप्रस्थ त्वरण। इसका मतलब हमें अर्य त्वरण निकालना है और अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है। तो अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है और अर्य त्वरण निकालना है। अर्य त्वरण तो क्या होता है, ओपी के अनुदिश जो त्वरण होता है वो अर्य त्वरण, और ओपी के लंबवत जो त्वरण होता है वो अनुप्रस्थ त्वरण। तो हमें क्या निकालना है, अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। तो अर्य त्वरण का फॉर्मूला क्या है, यदि अर्य त्वरण का मैं फॉर्मूला देखूं और अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला, अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला क्या है, अर्य त्वरण का फॉर्मूला क्या है, आर डबल डॉट और माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और अनुप्रस्थ त्वरण का टू आर डॉट थीटा डॉट और प्लस आर थीटा डबल डॉट। अब हमें मान चाहिए, हमें मान चाहिए आर डबल डॉट का, आर का थीटा डॉट का और यहाँ से थीटा डबल डॉट का। तो पहले हमें ये मान निकालने पड़ेंगे, तो ये मान निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो कोण ये अरे ये वेग निकालना पड़ेगा त्वरण निकालने के लिए। तो अरे ये वेग, और अरे ये वेग क्या होता है, अरे ये वेग होता है आर डॉट, और आर डॉट का मतलब किसका वेग निकालेंगे, वेग निकालेंगे कीड़े का, और कीड़ा किस वेग से रेंग रहा है, यू वेग से, स्मॉल यू वेग से। तो उसका वेग क्या हुआ, वो जा रहा है इस दिशा में, और इस दिशा में जो वेग होगा वो होगा अरे ये वेग। तो अरे ये वेग क्या है, यहाँ स्मॉल यू, स्मॉल यू क्या है, क्योंकि वो इस दिशा में वेग यू से जा रहा है, और इस दिशा में वेग क्या होता है, अरे ये वेग, तो यहाँ स्मॉल यू। और आर डॉट का मतलब, आर डॉट का मतलब एक आगे आएगा डी अपॉन डी टी, तो यहाँ यू, और यहाँ वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो डी आर इक्वल टू यू डी टी। ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ से आर निकाल रहे हैं हम, तो आर निकालेंगे क्या करते हैं, समाकलन करते हैं दोनों साइड, यू तो क्या है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट तो आया बार, और कॉन्स्टेंट बार आते ही डी आर का समाकलन करेंगे तो ये आर, और आर इक्वल टू यू का यू और डी टी का टी, तो आर इक्वल टू क्या आया यू टी, आर का मान आ गया हमें, आर का मान क्या है यू टी, आर का मान निकाल लिया। फिर आर डॉट का मान चाहिएगा इसमें, आर डॉट का मान, तो आर डॉट का मान, आर डॉट का मान यदि यहाँ से निकाले तो टी, तो टी क्या है वेरिएबल है, और यू क्या है, यू तो कॉन्स्टेंट है, तो यू कॉन्स्टेंट है, तो यू तो क्या आ जाएगा बार आ जाएगा, और टी का टी के सापेक्ष करेंगे तो, टी का टी के सापेक्ष करेंगे तो वन, तो आर डॉट का मान यू। फिर क्या चाहिएगा आर डबल डॉट, तो आर डबल डॉट का मतलब टी के सापेक्ष एक बार और, तो आर डॉट के का एक बार टी के सापेक्ष और करेंगे तो यू तो क्या है कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का क्या आएगा जीरो, तो आर डबल डॉट का मान तो क्या आया जीरो। फिर हमें निकालना है थीटा डॉट, फिर हमें निकालना पड़ेगा थीटा डॉट, तो थीटा डॉट का मान किस तरह निकालेंगे, ये मान निकाला अरे वेग से, वो मान निकालेंगे अनुप्रस्थ वेग से, तो यहाँ से आर डॉट का मान आया, यहाँ से आर डॉट का मान तो आया, आर डॉट का मान आया था यू, और आर डबल डॉट का मान आया जीरो। इसको आगे सोल्व किया ये, तो फिर हमें आर डॉट की वैल्यू चाहिए, सॉरी थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए, तो थीटा डॉट की वैल्यू अनुप्रस्थ वेग से निकाल लेते हैं, तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ वेग, और अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट, अनुप्रस्थ वेग क्या होगा, कीड़े के कीड़े के लिए निकाल रहे हैं हम, कीड़े के लिए निकाल रहे हैं हम अनुप्रस्थ वेग, और अनुप्रस्थ वेग क्या होगा, कीड़े का जो वेग है उसके लंबवत जो वेग होगा, तो कीड़े का वेग इस तरफ, तो उसके लंबवत वेग कौन सा है, उसके लंबवत वेग तो है स्मॉल वी, तो इसके लंबवत जो वेग होगा स्मॉल वी क्या होगा, वो अनुप्रस्थ वेग, क्योंकि लंबवत होता है अनुप्रस्थ वेग। तो यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए थीटा डॉट की, थीटा डॉट, तो थीटा डॉट इक्वल टू क्या आएगा वी अपॉन आर, आर क्या होती है, आर होती है ओपी की लंबाई, तो ओपी की लंबाई क्या है, इस जो पहिया है उसकी त्रिज्या, तो उसकी त्रिज्या क्या है ए, तो यहाँ आर की जगह ए रखेंगे तो ए आएगा इसके नीचे, तो थीटा डॉट इक्वल टू वी अपॉन
ए वी अपॉन ए। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं अरिय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। अरिय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण क्यों निकालने, क्योंकि एक बार तो हमें आरे की जो आ जो कण है उसमें कण की दिशा में निकालना है त्वरण, तो कण की दिशा में अरिय त्वरण। तो अरिय त्वरण के लिए, अरिय त्वरण के लिए, अरिय त्वरण के लिए आर डबल डॉट और माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ अरिय त्वरण के लिए आर डबल डॉट का मान, आर डबल डॉट का मान हमने निकाला जीरो, तो जीरो माइनस आर का मान, तो आर का मान क्या है, आर का मान हमारे पास आया यू टी, आर का मान आया माइनस यू टी, और थीटा डॉट, थीटा डॉट का मान आया वी अपोन ए, तो वी अपोन ए का क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि थीटा डॉट का क्या हो रहा है स्क्वायर। तो यहाँ से वी अपोन ए का क्या होगा स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस यू टी और वी स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर, और ये क्या है अरिय त्वरण। अब यहाँ एक कन्फ्यूज क्या हो सकता है, एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ तो आर की जगह ए रख दिया, यहाँ तो आर की जगह क्या रख दिया ए रख दिया, लेकिन हमने इस आर की जगह ए नहीं रखा, इस आर की जगह ए क्यों नहीं रखा, इस आर की जगह ए इसलिए नहीं रखा क्योंकि फिर यू हट जाता यहाँ से। इस आर की जगह यदि ए रख देते, यदि इस आर की जगह ए रखते तो फिर यह क्या हो जाता, यू और टी हट जाता। रखने को रख सकते हैं, आंसर वो भी सही है, आंसर तो वो भी सही है। फिर आगे हमें क्या निकालना है, अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण। तो अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला टू आर डॉट थीटा डॉट और प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो यहां से टू की जगह टू आर डॉट, आर डॉट का मान यू, आर डॉट का मान यू, और थीटा डॉट का मान वी अपोन ए, वी अपोन ए, और प्लस आर, आर का मान क्या है, आर का मान है ए, क्योंकि त्रिज्या दे रखी है ए, और थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट का मान, थीटा डबल डॉट का मान यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से थीटा डबल डॉट का मान, थीटा डबल डॉट का मान निकाले तो यहाँ से थीटा डबल डॉट का मान निकालना पड़ेगा इसके अनुप्रस्थ त्वरण के लिए। तो थीटा डबल डॉट का यदि मान निकालें, थीटा डबल डॉट का मतलब डी थीटा डॉट अपॉन डी टी, क्योंकि एक डॉट का मतलब आगे आ जाएगा डी अपॉन डी टी, तो आगे आ गया डी अपॉन डी टी थीटा डॉट। अब थीटा डॉट का मान क्या है, वी अपॉन ए। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि ए तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि पहिए की त्रिज्या तो सेम रहेगी, पहिए की त्रिज्या ये से थोड़ी है बढ़ जाएगी और घट जाएगी, क्योंकि पहिए की त्रिज्या तो क्या है, कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट। और जो वी है, वी क्या है, वी वेग है, और वो क्या है, अचर वेग, वी से दे रखा है अचर वेग वी। यहाँ वी क्या है, अचर वेग दे रखा है, अचर वेग दे रखा है, इसका मतलब कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट और ये भी कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू भी कॉन्स्टेंट, तो थीटा डॉट क्या हुआ, कॉन्स्टेंट। और थीटा डॉट का हम क्या करें, अवकलन, तो थीटा डबल डॉट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट, तो थीटा डॉट की वैल्यू यदि कॉन्स्टेंट है तो उसका अवकलन क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या है, जीरो। तो यदि ये जीरो तो ये कंप्लीट जीरो, ये कंप्लीट जीरो, तो अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू क्या आया, अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू आया टू यू स्मॉल वी अपॉन ए। आंसर चेक कर लेता हूँ मैं एक मिनट, टू यू अपॉन वी और अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ अरिय त्वरण तो आया ये, और अनुप्रस्थ त्वरण आया ये। एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई एक कीड़ा है किसी गाड़ी के ए त्रिज्या वाले पहिए, कोई ए त्रिज्या का पहिया है, कोई ए त्रिज्या का पहिया है, और उसके आरे पे, तो उसका आरा ये, और उसके आरे पे स्मॉल यू वेग से चल रहा है, और वी वेग से क्या गाड़ी चलती है, वी वेग अचर वेग से गाड़ी चलती है, तो वी वेग से गाड़ी चल रही है, तो स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगी, तो स्पर्श रेखा उस पर क्या होगी, लंबवत, तो यहाँ ये लंब, तो स्पर्श रेखा के अनुदिश वी, तो इस दिशा में जो वेग होगा वो तो अरिय वेग, और इसके लंबवत दिशा में जो वेग होगा वो अनुप्रस्थ वेग।
अरीय वेग तो हुआ, अरीय वेग तो हुआ इस दिशा में और अनुप्रस्थ वेग इस दिशा में। फिर हमने इसने बोला कि टी समय बाद आर्य की दिशा में, तो आर्य ये और आर्य की दिशा में जो वेग निकालेंगे वो अरीय वेग, और अरीय वेग होगा तो वेग में जो परिवर्तन होगा उस वो क्या होगा त्वरण, तो इस दिशा में जो वेग होगा वो अनुप्रस्थ त्वरण। तो इस दिशा में हमें ये क्या निकालना है, आर्य की दिशा में कौन सा वेग निकलेगा, अरीय त्वरण। तो आर्य की दिशा में तो क्या हुआ, कौन सा त्वरण हुआ, अरीय त्वरण, उसका मान क्या आया ये। और उसके लंबवत दिशा में कीड़े का त्वरण ज्ञात कीजिए, तो कीड़े का त्वरण इस दिशा में ज्ञात करना है, तो इस दिशा में ज्ञात करने के लिए क्या कौन सा वेग आएगा, कौन सा त्वरण आएगा, अनुप्रस्थ त्वरण। तो लंबवत दिशा में कीड़े का जो त्वरण होगा वो अनुप्रस्थ त्वरण होगा, और उसका मान क्या होगा, उसका मान ये होगा। ठीक है, फिर बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू।